मोहल्ला इंदिरा नगर ये स्थित है। अभी एक घंटे की बारिश में मोहल्ला इंदिरा नगर की ये स्थित हो गई। अभी तो ये रोड पे पानी था जब बारिश हो रही थी और लोगों के घरों में पानी भरा है। इतना ज्यादा इंदिरा नगर वाले परेशान है, ये नगर पालिका इसको के नाले को सही कराने का कार्य करे, वरना इंदिरा नगर वाले अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो सारे डूब जाएंगे। मदरसे के अंदर भी पानी आ रहा है भाई। मस्जिद आइए भाई, अंदर हम कैसे घुसे पाले, यही रोड दिखाएंगे तो चालू कर। देखिए इंदिरा नगर का यहाँ है, अभी इससे भी ज्यादा पानी था। अभी मैं मदरसा दिखाने वाला हूँ। इंदिरा नगर का मदरसा होटल सरकारी का पानी में डूबा हुआ है पूरी तरीके से, और ये एक घंटे की बारिश में ये इतना हाल कर दिया मदरसे का। आगे मैं भी आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये मदरसे का गेट है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे नाला पहले बहुत चौड़ा बना था, नाले का नदियां बनाने की वजह से ये नगर पालिका पूरा देखे, नगर पालिका के कर्मचारी देखे। और देखिए जसवीर भाई, इंदिरा नगर के लोग पानी से बेहाल, एक घंटे की बारिश में। अभी आप देखिए यहाँ मस्जिद के अंदर सही है, उनको ये यहाँ पे मस्जिद है यहाँ। अभी ये देखो ये निशान बना हुआ, यहाँ तक पानी चल रहा था, इतना ज्यादा पानी है। ये यहाँ की हालत है, जब तक ये नाला नहीं बनेगा इंदिरा नगर वालों की समस्या नहीं खत्म होगी। जसवीर भाई आप जागिए और ये नाला बनाने का काम करें। नगर पालिका के सभी कर्मचारी देखें, आप ये देखिए आप पानी के सिवा कुछ नहीं नजर आएगा। उधर रहने गड्ढे होंगे। ये देखिए मोहल्ला इंदिरा नगर की घरों की बर्बादी, कोई भी सामान उनका कितना नुकसान हो गया होगा। इधर जरा कमरे को सारे इनके कपड़े, ये देखिए इतना, एक घंटे अब तो थोड़ा कम हो गया है पानी, पूरा इनका घरों में नुकसान हो गया। देखिए घर के अंदर ये देखिए कितना ये पानी उलझने पे मजबूर है ये यहाँ पे। ये इंदिरा जसवीर भाई देखिए, नगर पालिका जागे यहाँ से और तुरंत यहाँ नाला बनवाने का कार्य करे, वरना बहुत ज्यादा, अभी तो एक घंटे की बारिश ने ये इतनी तबाही मचा दी है। और ज्यादा बारिश होगी तो इन लोगों का मतलब उठना बैठना टोटल, पैसे का भी नुकसान, सामान का नुकसान, और ये लोग रात में बारिश हो जाएगी तो रात में सो भी नहीं पाएंगे, बैठे रहेंगे कि हमारे घर में कितना पानी भर जाएगा। देखिए इसको नगर पालिका के कर्मचारी से मैं मांग करता हूँ, ये तुरंत नाला बनाने का कार्य करें। और जसवीर भाई आप जागिए, घरों से बाहर निकलिए, लोगों की समस्या पे आपको काम करने की जरूरत है। आपको लोगों ने वोट देके आपको चेयरमैन बनाया था, इसलिए आप देखिए और ये इंदिरा नगर का नाला बनाने का काम करें। आप देखिए इनके घर की हालत, ये इतना पानी अभी ये उलझ रहे थे, इतना ये परेशान है, इनके पास खाना बनाने की भी जगह नहीं है। आप ये देखिए इनके बर्तन दिख रहे हैं, भूला भेगा पड़ा उधर, अम्मा गैस पे खाना नहीं बनाते, नहीं गैस नहीं, इधर बोलिए कैमरे के सामने, गैस नहीं है, चूल्हा पक्का तो चूल्हा भेगा पड़ा भैया, कॉलोनी वगैरह आपकी है? कॉलोनी नहीं मिली आप? तमाम पैसा लागू पैसा नहीं। देखिए इंदिरा नगर की हालत, अम्मा रोक रही रो रही है
और इनके वहाँ चूल्हा है, ये देखिए जरा चूल्हा, ये पूरा भीग गया है, ये खाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनके वहाँ गैस भी नहीं है। इतनी ये इनका गरीबी हालत है, इनको ये देखिए इनकी गरीबी की हालत, चूल्हे पे खाना बनाती है, गैस नहीं है, ना इनकी अभी तक कॉलोनी आई है। ये प्रशासन देखे और नगर पालिका को जागने की जरूरत है, रास्ता ये बनाए, नाला बनाए और ये माता जी की जो है समस्या पे तुरंत काम करें। ये देख सकते हैं मदरसे का ये कमरा है, इंदिरा नगर, ये हालत अंदर आ जाइए कमरे में आइए, इधर से ये देखिए, ये इनकी सबकी किताबें हैं पढ़ने लिखने की, यहाँ की हालत देख सकते हैं आप। एक घंटे की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है, तो अगर दो चार घंटे बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ तखत के ऊपर भी पानी आ सकता है। ये लोग कैसे अपना खाना बनाएंगे, कैसे लेटेंगे बैठेंगे, इनका कितना नुकसान हो रहा है, इस पर नगर पालिका देखे। और मेरी एक ही मांग है कि इंदिरा नगर वाला ये नाला जैसे बना था उस तरीके से नाला बना दिया जाए, तो पानी का रास्ता साफ हो जाएगा और हमारे मेहरपुर कस्बे के ये इंदिरा नगर वालों की समस्या को मुक्ति मिल जाएगी। जब तक जासमीन भाई नाला नहीं बनेगा ये समस्या रहेगी। बताइए अब स्कूल की हालत, स्कूल तार की तरीके से ये तब्दील हो गया है, ये देखिए काफी पानी ये निकल चुका है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ नगर पालिका का पूरा प्रशासन देखे और नाला बनाने की कार्रवाई तुरंत करें।